हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने किस ऐप के साथ एक MOU साइन किया है? तो किस ऐप के साथ, ध्यान रखेंगे कू ऐप के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो अभी जो है केरल सरकार ने ये योजना शुरू की है बच्चों के लिए, अंडा और दूध योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है ये किसको दिया गया? तो डॉक्टर सुजॉय लाल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग किसने जीता? तो ये जीता है तानिया सचदेव ने, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने पायलटों को कितने साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति दी है? तो एयर इंडिया ने जो है 65 वर्ष तक विमान उड़ाने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो WWW जो दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 1 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? तो ये जो राष्ट्रपति हैं फिदेल रामोस, ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखेंगे फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार है भारत भारती सम्मान, ये दिया जाएगा डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, 2 अगस्त 2022 को जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है उसने साल 2021 के जो सम्मान हैं और जो पुरस्कार हैं उसकी घोषणा की है, और इसी के तहत जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो सम्मान है भारत भारती सम्मान, ये जो है किसे दिए जाने की बात कही गई? तो ध्यान रखेंगे हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर हैं डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, इन्हें जो है साल 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे हिंदी संस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान। दोस्तों, 9 सितंबर को जो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जयंती है तो उस कार्यक्रम पर जो है डॉक्टर त्रिपाठी को 8 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही वाग देवी की प्रतिमा दी जाएगी, प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और अंग वस्त्र जो है भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो इन्हें पुरस्कार है भारत भारती सम्मान के लिए इन्हें नामित किया गया है, लेकिन ये जो पुरस्कार है वो दिया कब जाएगा? तो 9 सितंबर को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा और उसके साथ में 8 लाख रुपए की धनराशि और उसके साथ ही जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें जो है 9 सितंबर के दिन पर दी जाएंगी। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साल 2021 का जो भारत भारती सम्मान है वो किसे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे आप डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मदद से यूपी में कुल कितने अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, 5000 विद्यालय। दोस्तों, जो विश्व बैंक की एक टीम है वो अभी जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई थी और उसी के दौरान जो है गोरखपुर में वो टीम पहुंची और
जो ये टीम है ये 2 दिवसीय दौरे पर आई थी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये जो टीम है उसने ये बताया कि प्रदेश भर में जो है 5,000 अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों ये जो विद्यालय होंगे ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, यानी सारी यहाँ पर जो है सुविधाएँ रहेंगी। ये जो विद्यालय होंगे, जो 5,000 अभ्युदय विद्यालय जो स्थापित किए जाएंगे, अभ्युदय विद्यालय, तो यहाँ पर जो है टैबलेट और स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई की व्यवस्था होगी। और जो बच्चे हैं उनकी सुविधा के लिए जो बाल वाटिका का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही गणित है, विज्ञान है और जो कंप्यूटर है इसकी प्रयोगशालाएँ भी वहाँ पर जो है बनाई जाएंगी। और इसके साथ ही खेलने कूदने के लिए जो है पार्क की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जिम करने के लिए जो है जिम भी वहाँ पर बनाई जाएगी। तो ये जो अत्याधुनिक विद्यालय हैं ये स्थापित किए जाएंगे प्रदेश भर में। कितने तो ध्यान रखेंगे, 5,000 ये अभ्युदय विद्यालय हैं। और जो विश्व बैंक की एक टीम आई है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 2 दिवस के दौरे पर, तो उसने ये जो है बड़ी घोषणा की है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कितने विद्यालय जो है खोले जाएंगे प्रदेश भर में, तो 5,000 अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राम कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। दोस्तों भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या, यहाँ पर जो है क्या बनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप काशी की तर्ज पर यहाँ पर जो है कॉरिडोर बनने जा रहा है। दोस्तों अभी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बैठक हुई कैबिनेट की, 2 अगस्त को ये बैठक हुई, और उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो राम नगरी है वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो इसके निर्माण से जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही जो पर्यटक होंगे उनकी जो है सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही दोस्तों ये जो परियोजना है, जो कॉरिडोर बनाया जाएगा उसके तहत जो सड़कें हैं वो चौड़ी की जाएंगी, मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, बिजली पानी, तो ये जो सारी मूलभूत जो ये आवश्यकताएं हैं उनको जो है इसमें पूरा किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर एक कॉरिडोर बनाए जाने की जो है घोषणा की गई है, फैसला लिया गया है, तो अयोध्या में जो है ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता। तो जो भारतीय महिला की लॉन बॉल टीम थी उसने जो है गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में जो महिलाओं की लॉन बॉल टीम थी, ध्यान रखेंगे आप भारतीय लॉन बॉल टीम जो थी, तो इसने जो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं या बर्मिंघम राष्ट्रमंडल जो खेल हो रहे हैं तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल जीता गया है ये जीतने के बाद जो है इतिहास रचा गया। दोस्तों ये जो खेल है लॉन बॉल, तो ये लॉन बॉल खेल क्या है इसे हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि ना के बराबर जो है इसको जानते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात की जाए कि जो महिला टीम थी लॉन बॉल की, तो इसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे, तो 4 महिलाएं जो इसमें शामिल थीं। कौन कौन सी, तो ध्यान रखेंगे आप लवली चौबे ये लीड में थी, पिंकी ये सेकंड पर थी, नयन मोनी सकिया ये थर्ड पर, और जो रूपा रानी टिर्की हैं ये स्लिप पर थी। ठीक है, तो ये 4 महिलाओं की टीम थी और इन्हीं महिलाओं की टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। दोस्तों ये जो महिलाओं की टीम थी इसने किसको हराया है, तो ध्यान रखेंगे आप अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को जो है फाइनल में हराया है इस टीम ने। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है, जो ये लॉन बॉल प्रतियोगिता है, ये जो है भारत में पहली बार जो है ये आयोजित की गई भारत की ओर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों महिलाओं की जो टीम ने ये गोल्ड मेडल जीता है तो कॉमनवेल्थ का ये 4th स्वर्ण है, और भारोत्तोलन के अलावा किसी स्पर्धा में ये पहला स्वर्ण भी है। यानी कि अभी तक जो 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, तो वो जो 3 गोल्ड मेडल हैं वो सभी वेट लिफ्टिंग में थे, लेकिन वेट लिफ्टिंग के अलावा अगर देखा जाए गोल्ड मेडल, तो ये जो है पहला गोल्ड मेडल है भारोत्तोलन के अलावा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम थी इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है कौन सा मेडल जीता है इस टीम ने, तो ध्यान रखेंगे गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप जो है ये 4 जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी इमेज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता।
तो जो भारतीय टेबल टेनिस टीम है इसने भी गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं यहाँ पर जो है जो भारतीय टेबल टेनिस टीम थी पुरुषों की, तो उसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे आप, ये पुरुषों की टीम थी और किसको हराया है, तो सिंगापुर को जो है फाइनल में हराया है। दोस्तों इसके अलावा भी आपको एक यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम है इसने जो है बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं उसमें सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, तो ये सारे मेडल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे भारतीय टेबल टेनिस जो पुरुषों की टीम थी उसने जो है गोल्ड मेडल जीता, ठीक, ध्यान रखेंगे किस स्पर्धा में, तो टेबल टेनिस में। इसके अलावा जो भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम थी उसने जो है कौन सा मेडल जीता कॉमनवेल्थ में, तो ध्यान रखेंगे आप सिल्वर मेडल जीता। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये बैडमिंटन में था और ये मिक्स्ड प्रतियोगिता थी, यानी कि पुरुष और महिला दोनों इसमें शामिल थे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप, टेबल टेनिस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता, तो विकास ठाकुर ने जो है इसमें रजत पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये विकास ठाकुर, और दोस्तों वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये मेडल जीता है। दोस्तों भारत की जो विकास ठाकुर हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में ये पदक जीता, तो ध्यान रखेंगे आप 96 किलोग्राम भार वर्ग की ये प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग का जो है ये 8वां मेडल था। दोस्तों जो विकास थे इन्होंने स्नैच राउंड में, क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है उसमें दो मॉड्यूल होते हैं, दो तरह की प्रतियोगिता जो है उसमें की जाती है, एक स्नैच होती है और एक होती है क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच में इन्होंने 155 किलोग्राम भार उठाया और क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 191 किलोग्राम भार उठाया। इस तरह से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन्होंने 346 किलोग्राम का भार उठाया और रजत पदक जो है इन्होंने भारत को दिलाया है। इसके साथ ही दोस्तों एक नाम और आपको ध्यान रखना है कि जो लवप्रीत सिंह हैं, जो वेट लिफ्टर हैं लवप्रीत सिंह, इन्होंने जो है 109 किलोग्राम की कैटेगरी में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है अभी तक का जो भारत ने 14 मेडल जीते हैं ये 14वां मेडल था और ये लवप्रीत सिंह ने जीता, और ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो ये 4था ब्रॉन्ज मेडल था। दोस्तों जो लवप्रीत सिंह है इन्होंने कुल मिलाकर के 355 किलोग्राम का वजन उठाया और इन्होंने अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है ये वजन उठा करके। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कि जो विकास ठाकुर हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 96 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, इसके साथ ही जो लवप्रीत सिंह हैं इन्होंने 109 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसमें देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात की जाए कि भारत ने कुल मिलाकर के कितने मेडल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीते हैं, तो दोस्तों भारत की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के भारत ने 14 मेडल जो है जीत लिए हैं और ये काफ़ी शानदार प्रदर्शन है भारत का। अब बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर फटाफट से जो है रिवाइज करेंगे सारे नाम, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संकेत सरगर इन्होंने पहला मेडल जीता था भारत के लिए सिल्वर मेडल, गुरुराज पुजारी ब्रॉन्ज मेडल, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता, बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल जीता, इसके बाद जो है जेरेमी लाल रिनुंगा आई और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अंजिता सिवली ने गोल्ड मेडल जीता, सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल जीता, विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल, हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय महिला टीम की जो है अभी आपको बताया तो गोल्ड मेडल जीता, और भारतीय जो पुरुष टीम थी टेबल टेनिस की तो उसमें भी जो है गोल्ड मेडल जीता गया, और जो विकास ठाकुर हैं इन्होंने रजत पदक जीता, और जो लवप्रीत सिंह हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जो भारतीय मिक्स्ड टीम थी उसने जो है कौन सा मेडल जीता, तो ध्यान रखेंगे सिल्वर मेडल जीता। तो कुल मिलाकर के इंडिया ने जो है 14 मेडल जीत लिए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है इनकी इमेज देखिए, ये लवप्रीत सिंह हैं जिन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों जो पिच ब्लैक अभ्यास है, जो सैन्य अभ्यास है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास है, इसमें दोस्तों भारत समेत 17 देश जो है शामिल होंगे और लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी जो है इसमें भाग लेंगे पिच अभ्यास में। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उसने पिच ब्लैक नाम से इस अभ्यास में भारत की भागीदारी की भी पुष्टि की है, यानी भारत भी जो है इसमें भाग लेगा। अब दोस्तों ये जो पिच अभ्यास है ये कितने दिनों का अभ्यास है, तो ये जो है एक
3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अभ्यास है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 17 देश जो है इसमें शामिल होंगे और लगभग 100 विमान इसमें हिस्सा लेंगे और 2500 सैन्यकर्मी जो है इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पिच ब्लैक अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि कौन कौन से देश जो है इसमें शामिल होंगे, तो पिच ब्लैक जो अभ्यास है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, हमारा देश भारत है, इसके साथ ही जापान, मलेशिया, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका जो है ये यहाँ पर शामिल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पिच ब्लैक अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और इसमें 17 देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स का ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विमोचन किया? तो ये जो पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स ये लिखी गई है संयुक्ता दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने जो है अभी एक पुस्तक का विमोचन किया और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो लॉकडाउन लिरिक्स इस पुस्तक का नाम है। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कवित्री हैं संयुक्ता दास, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो कोविड के समय जो वैश्विक महामारी फैली थी हमारे देश में, तो उसमें क्या अनुभव रहे और क्या परेशानियां रहीं, तो वो सारी जो बातें हैं ये कविताओं के रूप में यहाँ पर दिखाई गई हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है इसमें जो दुख थे लोगों को, जो कष्ट हुए और जो समस्याएं लोगों को आई, उस सब को जो है दर्शाने का प्रयास इसमें किया गया है कविताओं के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि लॉकडाउन लिरिक्स जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो कवित्री संयुक्ता दास के द्वारा जो ये पुस्तक है वो लिखित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने जो है कौन से खेल का उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखेंगे आप चौथे ONGC पैरा खेलों का इन्होंने उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो खेल हैं इसमें ONGC की जो 275 दिव्यांग व्यक्ति हैं और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा 2 और 4 अगस्त के दौरान, 2 से 4 अगस्त तक। तो इसमें किसने भाग लिया, तो ध्यान रखेंगे ONGC के जो कर्मचारी हैं 275 दिव्यांग खिलाड़ी जो व्यक्ति हैं वो जो है इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि ONGC क्या है, ONGC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ONGC का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ONGC इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है इसके जो कर्मचारी हैं 275 दिव्यांग व्यक्ति हैं वो जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो ये पिंगली वेंकैया है ये कौन थे? तो ये जो है एक तिरंगा डिजाइनर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसके डिज़ाइनर थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, इन्होंने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको डिज़ाइन किया था। तो इनकी जयंती पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही इनके जो जयंती थी उस मौके पर जो संस्कृति मंत्रालय है उसने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो पिंगली वेंकैया है इनकी अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो 2 अगस्त को हुआ था 1876 में। कहाँ पर हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम जो एक जगह है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के कई मॉडल के डिज़ाइन किए थे और उसके बाद 1921 में जो महात्मा गांधी हैं उनके सामने उस मॉडल को पेश किया गया, कई सारे जो मॉडल थे तिरंगे के तो डिज़ाइन थे उनको जो है उनके सामने पेश किया गया और साल 1921 में महात्मा गांधी ने एक को चुना और आज जो हमारा तिरंगा है वही जो है उस तिरंगे को जो है महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया था और इन्होंने ही इस तिरंगे को डिज़ाइन किया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इसके डिज़ाइनर कौन है, तो पिंगली वेंकैया। और अभी जो है इनकी जयंती मनाई गई और एक स्मारक डाक टिकट भी इनकी जयंती पर जारी किया गया।
दोस्तों ये जो पिंगली वेंकैया थे, ये जो है तिरंगा डिजाइनर के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी और इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 4 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, रोहित शर्मा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुशीला देवी ने जूडो में कौन सा पदक जीता। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।